कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मुझे एक पार्टी में जाना पड़ा। वहां भी कुछ ऐसा संयोग हुआ कि दोस्तों, मित्रों के प्यार भरे उलाहनों का सम्मान करते हुए मैंने एक प्लेट आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम वाकई बहुत बढ़िया थी। उसमें केसर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ पड़ा था। मन हो रहा था कि एक और आइसक्रीम खा ली जाए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि कुछ और मित्र पार्टी में आए। मैं उनसे बतिया ही रहा था कि बैरा आइसक्रीम लेकर हाजिर हो गया। दोस्तों ने आइसक्रीम ली और मुझे भी लेने को कहा। मेरे मुंह से ना 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 हाँ, पर हाथ में आइसक्रीम की प्लेट थी। क्या स्वाद था, क्या जायका था। तबीयत खुश हो गई थी और आत्मा आनंद के सरोवर में स्नान करने लगी थी। उस सुखद क्षणों में मैं भूल ही गया था कि सर्दी का मौसम है और शाम का समय। ऐसे समय आइसक्रीम वगैरह से बचना चाहिए। पर बंधु, हर समय यदि कोई नसीहत का पाठ दोहराता रहे तो वह आदमी ही क्या। मैं अपने को आदमी समझ रहा था और स्वयं को समझा रहा था कि यद्यपि आइसक्रीम ठंडी होती है, पर बर्फ की तासीर तो गर्म होती है। पार्टी पूरी होने पर मैं घर की ओर चला ही था कि रास्ते में छींकों ने मुझ पर हमला बोल दिया। एकाध मिनट के अंतराल से मुझे छींक पर छींक आने लगी। मैंने अपने मन को समझाया कि छींकों का आना अच्छा है, इससे फिर सर्दी वगैरह नहीं होगी। पर मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। छींकों के साथ साथ नाक से पानी भी बहने लगा। घर जाकर मैंने कई ऑइंटमेंट्स लगाए, पर सुबह तक छींकों और नाक के पानी ने मुझे बेहाल कर दिया। पत्नी परेशान थी। मैंने उसे ईमानदारी से बताया कि कल पार्टी में दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे आइसक्रीम खिला दी थी। बस वह फट पड़ी। जब तुम जानते हो कि तुम जुखाम के पुराने मरीज हो, फिर तुमने आइसक्रीम क्यों खाई? बात तो उसकी सही थी, पर भारतीय पति अपनी पत्नी की अच्छी सलाह भी बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ले तो वह पति ही क्या। मैं जोर जोर से बोला, अरे जरा सी आइसक्रीम खा ली तो क्या हुआ, कोई आकाश तो नहीं फटा। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने डबल रोटी के आकार की मोटी एक नहीं, दो दो प्लेट आइसक्रीम खाई थी। सुबह पत्नी जल्दी से तैयार हो गई और मुझे भी तैयार होने का आदेश दिया। मैंने पूछा, कहाँ चलना है? उसने कहा, अरे और कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ चलना है। मैं तैयार हो गया। हम डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी पहुंचे। इस समय भी छींकों का पानी बहने का सिलसिला जारी था। डॉक्टर ने केस समझा और कहा, भाई यह इतनी सीधी बात नहीं है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बाद में कोई उलझन पैदा ना हो, इसलिए हमें प्रारंभ से सतर्क रहना चाहिए। मैं पत्र लिख देता हूँ, आप अपने खून, पेशाब और मल की जांच करा लाएं। उसने अपने किसी पैथोलॉजिस्ट दोस्त के नाम पत्र लिख दिया। उसी दिन रात को रिपोर्ट लेकर मैं पुनः डॉक्टर के यहाँ पहुंचा। रिपोर्ट देखकर वे बोले, वेरी गुड, चलो एक चिंता तो दूर हुई, इसमें कुछ नहीं है। फिर कहा, बड़ा अच्छा पैथोलॉजिस्ट है, वेरी सीनियर। मुझे बाद में पता चला कि दोनों के बीच कट कमीशन का संबंध है। प्रसन्नता के साथ ही डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक लंबा सा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जिसमें तीन तीन घंटे के अंतर से 8 कैप्सूल और टैबलेट खानी थी। क्या कैप्सूल थे, कोई हरा, कोई नीला, कोई लाल, कोई जामुनी और कोई सफेद। लगता था कि ये कैप्सूल नहीं बल्कि कोई कलर बॉक्स है। मैंने केमिस्ट से जरा सी रहस्यवादी शैली में पूछा, अरे भाई इतने कैप्सूल टैबलेट जरा सी सर्दी के लिए? उसने कहा, भाई साहब इतने से आपको फायदा हो जाए। पर ना फायदा होना था ना हुआ। छींके आना और नाक से पानी बहना बरकरार था। तीसरे दिन हमारी चिंतित और परेशान पत्नी फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गई और मेरी दशा में सुधार ना होने के प्रति चिंता व्यक्त की। डॉक्टर भी गंभीर हो गए, कुछ सोचने लगे। फिर एकाएक उन्होंने पूछा, आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा, 40 वर्ष। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
ऐसा लगा कि उनकी सारी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे शक हो रहा है कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। प्रायः 40 साल की उम्र में यह बीमारी हो जाती है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर शुरुआत में यह समझ आ जाए तो इसका इलाज संभव है, यद्यपि यह सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा करें, मैं एक पत्र लिखकर देता हूँ, आप वहाँ जाकर फास्टिंग, बिना कुछ खाए एवं पीपी भोजन के उपरांत की ब्लड शुगर जांच करा लाएं। फिर हम देखते हैं कि यह जुखाम आपको कितने दिन परेशान करता है। बहरहाल उन्हीं के परिचित पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाकर मैंने दोनों टेस्ट करवाए। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, सर्दी ही थी, छींके आ ही रही थी और नाक से पानी भी बह रहा था। हाँ, सर्दी में कुछ कमी अवश्य ही आ गई थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर काफी आश्वस्त दिखाई दिए, बोले, आप एक भयानक बीमारी से बच गए, अगर कहीं डायबिटीज हो जाती। खैर, अब ऐसा करते हैं कि हम एक सप्ताह का इंजेक्शन कोर्स प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन आपको 2 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको अवश्य लाभ होगा। फिर इंजेक्शनों का दौर प्रारंभ हुआ। आइसक्रीम का मधुर स्वाद तथा भीनी भीनी खुशबू स्पिरिट की गंध में बदल गई। आइसक्रीम को लाजवाब स्वाद की अनुभूति की बजाय इंजेक्शन की सुई शरीर को कोंचने लगी, पर वही ढाक के 3 पात। कभी लगता कि सर्दी कम हो गई है, फिर कुछ समय बाद पहले जैसी हो जाती। नाक से पानी बहना कभी कम हो जाता, पर कुछ देर बाद वैसे ही बहने लगता। आखिरकार मैं डॉक्टर और दवाइयों दोनों से थक गया। घर आकर साफ साफ शब्दों में पत्नी से भी कह दिया, अब मेरा जो होना होगा वह होगा। दफ्तर का कितना हर्ज हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, जानती हो अब तक 1,500 रुपए खर्च हो चुके हैं। पत्नी बेचारी चुप थी, बोलती तो क्या बोलती। इतने में हमारी एक पड़ोसन घर आई। वातावरण में तनाव देखकर उसने पूछा, क्या बात है? मैंने उसे सारा किस्सा सुना दिया। वह बोली, मैं अभी आती हूँ। 15 मिनट बाद वह एक प्याला चाय लेकर आई और कहा, इसे पी जाइए। मुझे चाय की तलब लग रही थी, मैं झट चाय पी गया। पर पीते पीते तो मुझे लगा कि सामान्य चाय से इसका स्वाद अलग है। पर चमत्कार, 1 घंटे में ही मेरी नाक से पानी बहना कम हो गया और छींके भी बहुत कम हो गईं। शाम को दोबारा चाय पी और कुछ समय बाद ही सर्दी तथा नाक से पानी बहना पूरी तरह बंद हो गया। मैंने पड़ोसिन से पूछा, आखिर तुमने चाय में क्या मिलाया था? उसने कहा, कुछ खास नहीं, चाय, तुलसी, अदरक और थोड़ी सी हल्दी। मैंने आश्चर्य से कहा, बस इतना ही? और मेरे सामने डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, केमिस्ट, इंजेक्शन, दवाएं, सभी के बिल घूम गए।